तो हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज एक मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। तो आप तो जानते ही हैं मेरे पास अपाची 204 भी है। जो लोग मेरा पुराना व्यूअर है तो उसको पता ही होगा। ये जो पीछे का जो डिस्क है ना, ये पूरा ख़त्म हो चुका है, लाइनिंग आ चुका है। तो इसको हम चेंज करेंगे। पूरे YouTube मैंने छान लिया, कोई भी 204B का रियर डिस्प्ले चेंज करने का वीडियो नहीं है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है Apache 204B का रियर डिस्प्ले। ये 240mm का है, ठीक है, और 160 का अलग है। 160 का ऐसा छोटा है और ये बड़ा है। ये है इसका पार्ट नंबर, देख लीजिए, लिखा हुआ भी है 240mm। और इसका प्राइस है 1446 रुपये। पार्ट नंबर ये है, जिसको खरीदने का चाहिए तो वो स्क्रीनशॉट लेके खरीद सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ और चेंज करूँगा, ये कपलिंग रबर है जो चक्के के भीतर लगता है, ठीक है, ये भी चेंज करूँगा। ये भी गया है मेरा, तो इसका क्वालिटी बहुत ही नायाब है, एकदम मोटा है। यह है इसका पीछे का लुक, यह है इसका फ्रंट लुक। तो चलो गैरेज में जाते हैं, इसको लगाते हैं। ये आसानी से खुल गया, इसको हीट देने से खोलना पड़ेगा, वरना नहीं तो नहीं खुलेगा। ये है पुराना वाला डिस्क, एकदम पूरा ख़त्म हो चुका है। ये कितना पतला हो चुका है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इसका जो नट होता है ना, जो बोल्ट टाइटन होता है एलंकी वाला, वो अगर आपको नॉर्मल खुल जाए तो बढ़िया, मगर नहीं तो हीट से ही खोलना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ पर हीट से ही खोलना पड़ा मुझको। अगर आप बेकायदा ज़बरदस्ती करेंगे तो नट ख़राब हो जाएगा और दूसरा नट पैसे से भी नहीं मिलेगा। तो बेटर है हीट से ही आप खोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।